बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर, आई एम प्रोफेसर अब्दुल रहमान एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 14, गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय द जेम्स एल्टन। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट आंसर एंड क्वेश्चन एज वेल एज वी विल एक्सप्लोर हिस्ट्री। वट एवर हैपन इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस एंड वी विल ऑल्सो ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट सम हिस्टोरिकल इवेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। This is chapter number 14 and we have already started a lecture series of Mr. Chips. So we are running backward. So 18, 17, 15 and now it is turned to 14th chapter. So we will translate it. Before starting, it is request you to subscribe my channel so that you can receive such kind of lecture on daily basis. So without any delay, we are going to start with the chapter number 14. He still kept on his room with Mrs. Wickard. उसने अभी तक जो है मिसेज विकर्ड के घर पर जो उसने क्याम किए हुए था, अब जो है यहाँ पे kept on जो होता है वो carry on को कहते हैं, जारी रखना। Indeed, दर हकीकत he still lived there, क्योंकि वो पहले से वहाँ रहता था। But every morning, तकरीबन हर सुबह about 10:30, तकरीबन 10:30 बजे He put on his coat and muffler. Put on का मतलब है wear है, इसका synonym जो होगा वो अपना coat और muffler पहनता था and cross the road to the school. और school यहाँ पे capital लिखा गया है, तो it mean that we are discussing about Brookfield. और वो road पार करके Brookfield school चला जाता था. He felt very fit. वो अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है सेहतमंद महसूस करता था and actual work was not tasking means tiring. उसे अक्सर जो उसका जो काम होता था उसको वो अब नहीं थकाता था। जस्ट अ फ्यू फॉर्म इन लैटिन एंड रोमन हिस्ट्री, फॉर्म में यहाँ पे क्या क्लासेस हैं, चंद एक जो है वो क्लासेस देता था हिस्ट्री की और तारीख की और इसके साथ साथ लातीनी ज़बान की। द ओल्ड लेसन्स इवन द ओल्ड प्रोनंसिएशन, पुराने सबक और हत्ता के पुराना लबो लेजा, द सेम जोक अबाउट लेक्स कैनोलिया, और वही मजाक जो लेक्स कैनोलिया के बारे में जो है वो करता था। देर वॉज न्यू जनरेशन दैट नॉट हार्ड इट, हाँ उसके सामने अब एक नई जो है जनरेशन बैठी थी जो जिसको इस लेक्स कैनोलिया के बारे में पता ही नहीं था। एंड वॉज अब्सर्डली ग्रेटिफाइड बाय द सक्सेस इट हैज अचीव, और उसने एक फजूल तरीके से जो है उसने अपनी जो है सक्सेस को, कामयाबी को हासिल कर लिया था। He felt like a music hall favoriting returning to the board after a positively lost appearance. वो अपने आप को ऐसा महसूस करता था या ऐसे उसे लगता था कि जैसे वो वहाँ एक बहुत बड़े हाल के लोगों में से एक मकबूल मौसीकार हो और आखिरी बार लोगों के सामने आने के बाद वो काफ़ी अर्सा बाद स्टेज पर जो है हाजिर हुआ हो। They all looked बस यार फायदा ही नहीं। अब जो है वो अपने आप को ऐसा महसूस करता था जैसा कि वो जो है एक बहुत बड़े हाल के बाद आखिरी जो है अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद वापस आया हो। दे ऑल सेड हाउ द मार्वलेस इट वाज दैट ही न्यू एवरी बॉडी नेम्स एंड फेस सो क्विकली, उन्होंने वो ये सारे स्कूल वाले कहते थे कि कितनी शानदार बात है कि मिस्टर चिप्स जो है वो बच्चों के नेम्स और इसके साथ साथ उनके चेहरे भी जल्दी से याद कर लेते हैं। दे डिड नॉट गेस हाउ क्लोजली ही हैड केप्ट इन टच फ्रॉम अक्रॉस द रोड, वो नहीं जानते थे कि कितनी जो है शानदार तरीके से उसने अपना ताल्लुक जो है रोड के पास स्कूल के साथ रखा हुआ है। ही वॉज अ ग्रैंड सक्सेस ऑल टुगेदर, उसकी एक शानदार किस्म की ये कामयाबी थी। इन सम स्ट्रेंज वे, स्ट्रेंज होगा ओड होगा, इन स्ट्रेंज वे ही डिड जो उसने हासिल की थी। एंड दे ऑल न्यू एंड फेल्ट इट, ये तमाम लोग जानते भी थे और महसूस भी करते थे। हेल्प थिंग्स, अब चीज़ें क्यों मदद करना शुरू हो गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हीज लाइफ ही फेल्ट नेसेसरी, पहली दफ़ा उसने अपनी ज़िंदगी में ये महसूस किया जो कि लाजमी था एंड नेसेसरी टू समथिंग दैट वॉज नियरेस्ट टू हर, और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो उसके दिल के बहुत करीब हो। देर इज़ नो सबलाइमर फीलिंग इन द वर्ल्ड, इससे अच्छे साथ साथ जो है दुनिया में कोई नहीं है।
एंड इट वॉज हिज लास्ट, और ये उस एहसास की आखिरी हालत थी। ही मेड न्यू जॉक्स, वो नए मजाक भी आप करता था अबाउट द ओ टी सी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स, एब्रीवेटेड है, एक्रोनिम है, ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में, एंड द फूड राशनिंग सिस्टम, और वहाँ पर जो है जो खुराक का निज़ाम था उसके बारे में भी मजाक करता था, एंड द एंटी एयर रेड ब्लाइंड दैट हैड टू बी फिटेड ऑन द ऑल द विंडोज, और इसके साथ साथ जो है वो हवाई जहाज़ों के हमले से बचने के लिए जो खिड़कियों के ऊपर जो है एंटी एयर रेड लगाए जाते थे उनके बारे में भी। देर वॉज अ मिस्टीरियस काइंड ऑफ रिजॉल्व दैट बिगेन टू अपीयर ऑन स्कूल मेन्यू ऑन मंडे, वहाँ पे एक जो है एक अजीब व गरीब किस्म के खुराक जो है वो सोमवार वाले दिन जो है उनके स्कूल के जो है मेन्यू के अंदर जो है ना शामिल हुई, एंड चिप्स कॉल इट अबरेंडम, और मिस्टर चिप्स ने उसने जो है नफरत ज़दा कहा था, मीट टू बी अभोर, और वो गोश्त जिससे नफरत की जाए। द स्टोरी वेंट राउंड, गो राउंड होता है फैल जाना, स्प्रेड हो जाना, द स्टोरी वेंट राउंड हार्ड चिप्स द लेटेस्ट ओवर हेयर जोक है, और ये कहानी जो है पूरे के पूरे ब्रुकफील्ड स्कूल में जो है फैल गई और एक लेटेस्ट उसका मजाक था। चैटरीज फेल इल ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1917, चैटरीज जो है वो 97 की जो है सर्दियों के मौसम में बीमार पड़ गया, एंड अगेन फॉर द सेकंड टाइम इन हिज लाइफ, और दूसरी दफ़ा मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में, चिप बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, चिप्स जो है ब्रुकफील्ड स्कूल का जो है एक एक्टिंग हेड के तौर पर बन गया। देन इन अप्रैल चैटरीज डाइड, और अप्रैल के महीने में चैटरीज जो है वो वफात पा गए, एंड द गवर्नर आस चिप्स, और गवर्नर ने मिस्टर चिप्स से कहा इफ़ ही वुड कैरी ऑन मतलब क्या है कि कीप ऑन, जारी रखना, कि अगर वो इसको जारी रखता है फॉर द ड्यूरेशन, जो बाकी पीरियड बचा हुआ या दौर है तो वो कंटिन्यू करे, ही सेड ही वुड इफ़ दे वुड रिफ्रेन फ्राम अपॉइंटिंग हिम ऑफिशियली, तो मिस्टर चिप्स ने जवाब दिया था कि वो इसको जारी रखता है लेकिन अगर उनको सरकारी तौर पर जो है अपॉइंट करने से बाज रखा जाए। फ्राम दैट लास्ट ऑनर विद हीज विद ही हैज़ रीच, क्योंकि अब वो आखिरी उसके लिए जात की बात थी जिस को पहुंच चुका था, ही श्रैंक इंस्टिंक्टिवली, और वो जो है टर्न श्रैंक को तो टर्न बैक, वो जो है फितरी तौर पर जो है पीछे हट गया, फीलिंग हिमसेल्फ इन सो मैनी वे अनइक्वल टू इट, और उसने क्या है कि गैर मुनसफाना समझा कि ये ठीक नहीं होगा। ही सेड टू ड्राइवर, और ड्राइवर से उन्होंने मुखातिब होकर कहा था यू सी आई एम नॉट अ यंग मैन, आपको पता है कि मैं एक जवान आदमी नहीं हूँ, एंड आई डोंट वॉन्ट पीपल टू एक्सपेक्ट अलॉट फ्रॉम मी, और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा मतवक्का रखें। आई एम लाइक ऑल दोज न्यू कर्नल एंड मेजर यू सी इन एवरीवेयर, मैं उन तमाम जो है कर्नल और मेजर्स की तरह हूँ जो कि आप देखते हैं, जस्ट अ वार फ्लूक, जो कि क्या है कि फ्लूक क्या है कि स्टोक ऑफ लक है, जो कि किस्मत की देवी उन पे राजी होती है जंग के दरमियान और वो प्रमोट हो जाते हैं। अ रैंकर दैट आई शैल रैली, और मैं अपने आप को जो है एक आम सा रैंकर समझता हूँ, इसलिए मैं तरक्की नहीं लेना चाहता। पेज नंबर 33 हमने किया, नोट 10 टू द 34। 1917 एंड 1918 चिप्स लिव थ्रू इट ऑल, मिस्टर चिप्स इसी तरह जो है चलता रहा। ही सेट इन हेडमास्टर स्टडीज एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह जो है हेडमास्टर के स्टडी रूम में बैठता था, हैंडलिंग प्रॉब्लम मसाइल को हल करता था, डीलिंग विद द प्लेंट्स एंड रिक्वेस्ट, और जो है लोगों की जो है शिकायत को, प्लेंट्स क्या होगा कंप्लेन को होगा, और तमाम दरख्वास्तों को जो है देखता था। आउट ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस ही एमर्ज अ कैंडी जेंटल कॉन्फिडेंट इन हिमसेल्फ, एक बहुत बड़े तजर्बे की बुना पर उसके अंदर जो है एक बहुत ही मेहरबान किस्म का और मुतमिन होने वाला शख्स उभर कर आया था। टू कीप अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, वो जो है इस तनासब को जो है नज़रियों को बराबर करते हुए, दैट वॉज द मेन थिंग, जो सबसे अहम बात थी, सो मच ऑफ द वर्ल्ड वॉज लूजिंग इट, जो कि ज़्यादातर दुनिया इस प्रोपोर्शन को जो है वो खो रही थी, एज वेल एज कीप इट वेयर इट हैड, और वहाँ पर उसने रखा जहाँ पर उसको होना चाहिए था, एंड आर्ट टू हैव, यह होना चाहिए था कंजीनियल्स होम, कि एक जो है दोस्ताना जो है घर की तरह।
क्रिनेलियन क्या होते हैं, फ्रेंड ही होते हैं। ऑन संडे इन चैपल, चैपल टेनी चर्च को कहते हैं, हर जो है इतवार के दिन जो है छोटे चर्च के अंदर, इट वॉज ही हु नो रीड आउट द ट्रेजिक लिस्ट ऑफ, ये क्या है कि मिस्टर चिप्स ही होता था जो इस आलमी लिस्ट जो होती थी, जो वहाँ पे एक लेटर पैड होता था जिसके ऊपर मरे हुए लोगों का नाम होता था, वो पढ़ता था। एंड सम टाइम इट वॉज सीन और एंड हर्ड, कभी और कभी कभार ये देखा गया और सुना गया है, दैट ही वॉज इन टीयर ओवर इट, के उसके ऊपर मिस्टर चिप्स के आंसू निकल जाते थे। वेल वाई नाट, क्यों नहीं, द स्कूल सेट, स्कूल ने कहा था, ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक जो है बूढ़ा आदमी है, दे माइट हैव डेपिसाइड एनी वन एल्स फॉर द वीकनेस, और वो जो है इसी वजह से जो है कभी भी किसी भी आदमी के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी नहीं करता या उसकी कमज़ोरी ऐसी है। वन डे ही गॉट अ लेटर फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, एक दिन जो है उनको स्विट्ज़रलैंड से एक जो है पैगाम मिला या लेटर मिला, फ्राम फ्रेंड देयर, वहाँ पे एक दोस्त थे, इट वॉज हैवली चंचर, इसके चटक पटक इसकी बहुत हुई हुई थी, चांट कांट इसकी बहुत हुई हुई थी, बट कन्वेड सम न्यूज़, लेकिन इसके अंदर कुछ एक खबर थी। ऑन द फॉलोइंग संडे, अगले इतवार के दिन, आफ्टर द नेम्स एंड बायोग्राफी ऑफ ओल्ड बॉयज, जब मिस्टर चिप्स ने पुराने या पुराने लड़कों के नाम्स और उसके सवाने हयात पढ़ा, ही पॉज अ मोमेंट, वो एक लम्हे के लिए रुका, एंड देन एडेड, और मज़ीद कहा, दोज फ्यू ऑफ यू यू हु वर हेयर बिफोर द वॉर विल रिमेंबर मैक्स स्टेफल द जर्मन टीचर, आप में से वो लोग जो जंग से पहले थे उनको मैक्स स्टेफल जो है जो कि जर्मनी का उस्ताद था वो याद होगा। ही वॉज इन जर्मनी, वो जर्मनी में था, विजिटिंग हिज होम, अपने घर गया हुआ था। वेन द वॉर ब्रोक आउट, जब जो है जंग छिड़ गई, ही वॉज पॉपुलर वाइल ही वॉज हेयर, जितनी दौर वो इधर रहा वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। एंड मेड मैनी फ्रेंड, और बहुत से दोस्त उन्हें बनाए। दोज हु न्यू हिम वेल विल बी सॉरी टू हियर दैट, वो लोग जो उनको जानते थे उनको जानकर ये सदमा होगा, दैट ही वॉज किल्ड लास्ट वीक, उसको पिछले हफ्ते जो है कत्ल कर दिया गया था, ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, उसको जो है मगरबी महाज के ऊपर, वेस्टर्न फ्रंट जो है वहाँ था जहाँ पर जर्मन फौजी जो है आपस में लड़ रही थी और इंग्लैंड की। हेयर वॉज अ लिटल पेल, वो थोड़ा सा पीला था, वेन ही सेट डाउन आफ्टर वर्ड, जब उन्होंने ये बात कही उसके बाद, अवेयर ऑफ दैट ही हैड डन समथिंग अनयूजुअल, अनयूजुअल क्या होता है, एक्सेप्शनल, उसने कोई चीज़ गैर मामूली कर ली है, ही हैड कंसल्टेड नोबॉडी अबाउट इट, उन्होंने कंसल्टेड क्या होगा, डिस्कस होगा, उन्होंने ये बात किसी के साथ मशवरा नहीं किया, एनी हो नो वन एल्स कुड बी ब्लेम्ड, बल्कि किसी को भी इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। लेटर आउटसाइड द चैपल, उस छोटे चर्च के बाद में ही हार्ड एन आर्गूमेंट, उसने एक बहस सुने, ओ द वेस्टर्न फ्रंट, अच्छा तो मगरबी महाज जो है, चिप सेड, डज दैट मीन ही वाज फाइटिंग फॉर द जर्मन, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैक्स स्टेफल जो है वो जर्मन के लिए लड़ाई कर रहा था, आई सपोज इट डज, मेरा ख्याल है कि वो कर रहा था, करता है। सीम फनी सो, ये चीज़ बहुत ही मजाया थी, देन टू रीड हिज नेम आउट ऑफ ऑल द अदर्स, कि उसने दूसरे लोगों के साथ उसकी नाम भी पढ़ लिया, एंड आफ्टर ऑल ही वाज एन एनिमी, और बरकैफ वो हमारा दुश्मन था, क्योंकि उस वक्त जो है जो जर्मन फौजें थी वो जो है इंग्लिश फौजों के खिलाफ लड़ रही थी। और जस्ट वन ऑफ चिप्स आइडिया, ये मिस्टर चिप्स का एक ख्याल हो सकता है, आई एक्सपेक्ट, मेरा ये मैं तसव्वुर करता हूँ, द ओल्ड बॉय स्टिल हैज़ इन, और ये बड़े मियाँ जो है अभी तक उसने याद रखा हुआ है। चिप्स इन हिज रूम अगेन वॉज नॉट डिसप्लीज बाय द कमेंट्स, चिप्स अपने कमरे के अंदर अपने इन रिमार्क के ज़रिए नाखुश नहीं था। यस ही स्टिल हैड हिम, जी हाँ उसको उसने अभी तक याद रखा हुआ था। दोज आइडिया ऑफ डिग्निटी एंड जेनरोसिटी हैज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर इन दिस फ्रेंटिक वर्ल्ड, वो नज़रियात जो कि इज़्ज़त और फराग दिली के होते हैं वो इस पागल दुनिया के अंदर, इस हैजानी दुनिया के अंदर ख़त्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। फ्रेंटिक क्या होता है, मेड होगा। एंड ही थॉट, और उसने सोचा, ब्रूकफील्ड विल टेक देम टू फॉर मी, ब्रूकफील्ड भी उसको उसी तरह याद करेगा जिस तरह मैंने किया, बट इट वुडन फ्राम एनी वन एल्स, यानी ये किसी और के अलावा नहीं। वंस आस्ट
फॉर हिज ओपिनियन फॉर अ बोनेट प्रैक्टिस। एक दफ़ा जो है मिस्टर चिप्स से जो है वो संगीन की स्कीन बाजी या स्कीन की प्रैक्टिस के बारे में जो है पूछा गया। दैट इज़ कैरीड ऑन नियर द क्रिकेट पवेलियन, जो क्रिकेट की जो है पवेलियन के साथ प्रैक्टिस की गई। ही आंसर्ड विद अ लेजी स्लाइटली अस्थमेटिक इंटोनेशन, उन्होंने थोड़ा सुस्त रवि के साथ और दमा वाली आवाज़ के जरिए जो है लहजे में कहा। ही हैड बीन ऑफन सो एक्स्ट्रावेजेंटली इमिटेटेड, वो अक्सर जो है बहुत ज़्यादा कॉपी करते हुए ये कहते थे। इट सीम टू मी अ वेरी वल्गर वे ऑफ किलिंग पीपल, मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक लोगों को मारने का बेहूदा तरीका है। ओके, वंस द यार्न वॉज पास्ट, ये कहानी जो थी ये भी फैल गई थी। एंड जॉयसली अप्रिशिएटेड, और इसको मज़े से ले लेकर लोग इसे पसंद किया करते थे। हाउ चिप्स हैड टोल्ड सम बिग ब्रैस हेड फ्रॉम द वॉर ऑफिस दैट बोनेट फाइटिंग वॉज अ वर्गर, के कैसे जो है चिप्स ने वजारत जंग के पीतल की टोपी पहने हुए बड़े अफसर को ये बताया था कि संगीनियों की लड़ाई जो है बेहूदा होती है। जस्ट लाइक चिप्स, जैसे चिप्स की तरह। एंड दे फाउंड एन एडजेक्टिव फॉर हिम, और उन्होंने जो है इसे एक जो है इसम सिफ्स की तौर पर तलाश किया और ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वॉज बिगनिंग टू बी यूज, एंड ही वो जंग से पहले का इंसान था। ये जो है प्रोवार, इस तरह जो हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अब चैप्टर नंबर हमारा जो है 14 हमने कंप्लीट किया है, इसके इवेंट को भी हमने डिस्कस किया है। अब जो है इसके इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर को हम डिस्कस करेंगे। इसका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, व्हाट डिड चिप्स टीच आफ्टर री ज्वाइनिंग ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड को री ज्वाइन करने के बाद मिस्टर चिप्स जो है वो क्या पढ़ाते थे। मिस्टर चिप्स स्टार्ट द सेम ओल्ड लेसन ऑफ लैटिन एंड रोमन हिस्ट्री विद हिज ओल्ड मेथड ऑफ प्रोनंसिएशन। हाउ डिड चिप्स फील आफ्टर री ज्वाइनिंग ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड में जो है री ज्वाइन करने के बाद वो कैसा महसूस करते थे। What kind of joke did Chips make when joined Brookfield again during the war? जब के दौरान दोबारा जो है वो किस किस्म के मजाक जो है किया करते थे। तो वो मिस्टर चिप जो है OTC ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में, राशनिंग सिस्टम के बारे में भी, और फिर विंडो के ऊपर जो एंटी रेड जो होते थे उनके बारे में भी उसने मजाक किए थे। When was Mr. Chips made the acting head of Brookfield for the second time? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। After the sudden death of Chatteris, चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रूकफील्ड फॉर द सेकेंड टाइम इन 1917। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके वाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट वॉन्ट टू बी अपॉइंटेड द परमानेंट हेड ऑफ द ब्रूकफील्ड, अब वो ब्रूकफील्ड स्कूल का जो है मुस्तकिल हेड क्यों नहीं बनना चाहता था। मिस्टर चिप्स डिड नॉट वॉन्ट टू बी अपॉइंटेड द परमानेंट हेड ऑफ ब्रूकफील्ड बिकॉज ही फेल्ट हिमसेल्फ अनइक्वल टू फॉर दिस जॉब। He did not want to people to expect a lot from in his old age, कि उस बूढ़ी उम्र के में क्या कि वो बहुत ज़्यादा उसे मतवक्को ना करें। तो ये बहुत जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। तो ये चैप्टर नंबर 14 जो है हमारे इसकी ट्रांसलेशन और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हिस्ट्री जो है ये हमारी यहाँ पर ख़त्म हुई। इफ़ यू हैव एनी गुड सजेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस चैनल लेट अस नो एंड लेट अस राइट इन द कमेंट सेक्शन and we will inshallah do the better for the other and as well as for this channel and we once again request you to subscribe this channel. Thank you so much. Allah Hafiz. Bye bye.